उसमें तीसरे शहबाज गिल को पेम्बर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर के मुताबिक इनकी हालत तश्वीशनाक है, अल्लाह ताला इनको जल्द से सेहत कामला अता फरमाए, अमीन। शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी के सामना है। देखते हैं एक रिपोर्ट। शाहिद हुसैन कहते हैं बदकिस्मती से शहबाज गिल को पेम्बर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर के मुताबिक उनकी हालत तश्वीशनाक है, अल्लाह ताला जल्द सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, ऐसे लगता है जैसे शहबाज गिल के अंदर कोई डिवाइस फिट है जिसे ये निकालना चाहते हैं। सारे मुल्क का सिस्टम एक शख्स के वजह से रोक कर बैठे हैं, जबकि इनका बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। जुर्म बनता है तो सजा सुनाए, बात ख़त्म। लेकिन मकसद खान को काबू करना है। इमरान खान फेसबुक पर लिखते हैं महजब दुनिया हमारी बर्बरीत की सतह पर हैरान रह जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि तशद्दुद के जरिए और मुनफाना ट्रायल के बगैर मिसाल बनाने के लिए एक आसान हदफ का इंतखाब किया गया है, जिनमें सबसे बदतरीन तरीके से मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी जैसे लोग जिनमें और बार बार रियासती इदारों पर बदनीयती पर मबनी और टारगेटेड बयानात के जरिए हमला किया, एक साजिश का इशारा भी किए बगैर फरार हो गए।